बालाघाट जिले के दक्षिण बैहर क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हर्रा टोला और लहंगा कनार के ग्राम सोन टोला बैगा टोला में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को देख स्थानीय बैगा जनजाति के लोगों ने खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में प्रशासन को जानकारी दी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कंदई का हर्रा टोला गाँव की ऊँची पहाड़ी पर बसा है, जिससे यहाँ के लोग मूलभूत समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस गांव तक पहुंचने के लिए एकमात्र कच्ची सड़क है, वही बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। गांव के स्कूल में दो शिक्षक है, लेकिन एक शिक्षिका स्कूल ही नहीं पहुंच रही है। गांव में पेयजल की समस्या का निदान अब तक नहीं हुआ है, मोबाइल नेटवर्क भी अभी तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके पास बैंक खाता और आधार कार्ड भी है, लेकिन कुछ महिलाओं को पोषण आहार की राशि नहीं मिल रही है। इस पर कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने पात्र महिलाओं के पंचनामा बनाकर उन्हें आहार अनुदान की राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए। स्कूल नहीं पहुंचने वाली शिक्षिका गुणवंता नागवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए आदेशित किया। साथ में ऐसी महिलाएं जो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत पात्र है, उन्हें अपना पंजीयन कराने के लिए कहा। नल जल योजना के तहत यहां पर 17 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है और 37 नल कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें नल कनेक्शन नहीं मिला। इसे लेकर कलेक्टर मिश्रा ने नाराजगी जाहिर करते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया है कि एक सप्ताह के भीतर हर्रा टोला के हर घर में नल कनेक्शन लगवाए, अन्यथा 17 लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। आप लोग से मिलने के लिए आएंगे ये सभी योजनाओं के बारे में समझने के लिए कि किन किन लोगों का राशन अभी जैसे आज हो गई 21 तारीख हो गई तो 27-28 तारीख के करीब आएंगे देखने के लिए 7 दिन में क्या क्या आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ होगा तो आप फिर बताएंगे हम लोग को, तो फिर हम लोग कलेक्टर साहब के साथ फिर आएंगे। पर चूंकि बगल में पादरी चौकी है तो आते जाते रहेंगे ये लोग। बुलाओ पकड़ के लिए क्या भैया, कहाँ राकेश आएगा? ओके, ये है। और राशन किसको नहीं मिल रहा है? एक साल से ज्यादा हो गया कनेक्शन हुआ है, टूटी भी नहीं लगा कहीं, बाकी लोगों सब निकाल के फेंक दिए, पानी की पर्याप्त नहीं है। और ठेकेदार से सर मिला यहाँ लेके आया था, सर्वे करवाया सर, एसडीएम सर को भी मैंने किया था, सीओ सर को भी व्हाट्सअप किया था कि सर मैं बोला यहाँ कुछ नहीं लगा, उनको बोले सर तो आए, फिर